नमस्कार, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं एवन इंडिया। श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से ये जानकारी दी है कि जिस फिल्म में उनकी मम्मी श्रीदेवी नजर आने वाली थी, अब उस फिल्म में माधुरी दीक्षित लीड रोल करेंगी। फिल्म करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस की शिद्दत है, जिसे अभिषेक वर्मन डायरेक्ट कर रहे हैं। श्रीदेवी की मौत के सदमे ने पूरे बॉलीवुड जगत को हिलाकर रख दिया है। आपको बता दें कि श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुई थी, जिसका सदमा अभी तक लोगों के दिल में बैठा हुआ है। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर भी अभी तक अपनी मां को खो जाने के गम से उभरी नहीं है। हाल ही में श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट किया है, जिसमें जाह्नवी ने जानकारी दी है कि जिस फिल्म में उनकी मम्मी श्रीदेवी नजर आने वाली थी, अब उस फिल्म में माधुरी दीक्षित लीड रोल करेंगी। जाह्नवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर यह घोषणा की है कि अभिषेक बर्मन की फिल्म का हिस्सा माधुरी होंगी। जाह्नवी ने लिखा है कि यह फिल्म मॉम के दिल के बेहद करीब रही है, इसलिए जाह्नवी ने उन्हें अपनी तरफ से काफ़ी थैंक्स भी कहा है कि अब उनकी इस फिल्म का हिस्सा माधुरी है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म को लेकर खबर थी कि इस फिल्म का हिस्सा संजय दत्त भी होने वाले थे, तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि माधुरी के इस फिल्म से जुड़ने के बाद भी क्या अब भी संजय इस फिल्म का हिस्सा रहेंगे। माधुरी और संजय ने लंबे अरसे से एक साथ काम नहीं किया है, तो ऐसे में अगर दोनों फिर से साथ आएंगे तो उनके फैंस के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी होगी।